नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के ग्राम आष्टा में एक बुजुर्ग महिला पर गांव के ही व्यक्ति ने शराब के नशे में किया चाकू से हमला, शिकायत दर्ज। घबर मुलताई विधानसभा प्रभात अंतर्गत आने वाले ग्राम आष्टा में आज सुमन गावड़े अपने घर में थी, तभी शाम 8 बजे के करीब गांव के ही एक व्यक्ति आ गया और उसने चाकू से बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। लेकिन इसी बीच सुमन बाई का पुत्र बीच में आ गया और उसने बीच बचाव किया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने मासौद पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। डायल 100 से उक्त व्यक्ति को मुलताई थाने ले जाया गया। इस संबंध में सुमन बाई ने जानकारी दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता रोहित शाह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुमन बाई गांडे। कहाँ रहते हैं आप? आष्टा। क्या हुआ आपके साथ अभी? हम बहू और हम घर में थे, मेरे बेटे घर को नहीं थे और गाली बकने लगा। कौन? दिनेश गांडे। हाँ, फिर तो गाली बकने लगा तो हम इधर से निकले तो वो चाकू लेके दौड़ा मेरे ऊपर, तो उतने में मेरे लड़के आए तो उसने छीना तो मैं बच गई। फिर क्या किया आपने? फिर चौकी में गई, मासो चौकी में, वहाँ से फिर डायलेंस लाए और अभी कहाँ मुलताई ला लिए? अब मुलते लाया, वो निरानिर झूठ बोल रहा। आपको चोट लगी अभी कहीं? चोट नहीं, मेरे बच्चे आ गए ना उसमें, बच गए आप? हाँ, मतलब बेटे ने आपको बचा लिया? बचा लिया। चाकू कितना बड़ा था? इतना बड़ा है ना, मैं चाकू लेके आई ना यहाँ पे। वो सब आप लेके आए साथ में? हाँ, साथ में लेके आई। और अटैक पेशेंट हूँ मैं, 3 महीने हुए मेरे ऑपरेशन को। ठीक। 15 दिन हुए मैं भोपाल से यहाँ आई। झगड़ा करता है? आज के दिन भी झगड़ा किया था, 8 दिन नहीं हुए। मेरे बेटे आए कि बस झगड़ा करता, मेरे बेटे आए कि झगड़ा करता, हम रहे कि नहीं रहे उस घर में।